हेलो वेलकम गाइस, दिस इज अदनान द स्टोर ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस जस्ट मेरे पीछे यहाँ पे एक क्रोसा डाइनिंग है और इसके साथ जो चेयर है ना वो चेयर है पोएस चेयर है, सुप्रीम ब्रांड का है, बहुत ही प्रीमियम ब्रांड का है। गाइस इसका रिव्यू मैं आज इसलिए कर रहा हूँ गाइस आप लोगों के लिए कि आप लोगों का अगर मान लीजिए कि 7, 7.5, 8 तक का अगर आप लोगों के पास बजट है, आप एक अच्छा सा डाइनिंग लेना चाहते हो, बहुत प्रीमियम लगे आप लोगों के पास, कोई आप लोगों के घर में मेहमान आए तो आप लोगों को हाँ लगे यार एक बहुत ही अच्छा सा प्लास्टिक का ही डाइनिंग रखा है लेकिन प्रीमियम रखा है। इसका चेयर थोड़ा सा महंगा है, मैं कहूँगा इसलिए महंगा है, पहले कम था अब थोड़ा इसलिए महंगा है क्योंकि इसके रेट काफ़ी बार, प्लास्टिक का रेट तो आप लोगों को पता होगा, कहीं से भी आप लोग हो इंडिया में प्लास्टिक का रेट काफ़ी बार बढ़ा है। हम लोग तो वैसे शॉप का ओनर है, हम लोगों को ही पता है कि कितना बार इसका DP बढ़ा है, तो इसलिए इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। पहले ये होता था 1000 या 1050 में हो जाता था, अभी थोड़ा इसका रेट इसलिए महंगा हो गया प्लास्टिक का रेट बढ़ने की वजह से। इसका रेट अभी होगा आप लोगों को 1300-1350 तक का आप लोगों का आ जाएगा। ऑनलाइन में थोड़ा और भी ज़्यादा महंगा मिल सकता है, कम में मिल सकता है, आप लोग देख लेना वैसे। और इसका जो डाइनिंग है, डाइनिंग आपको थोड़ा सस्ता में मिल जाएगा गाइस क्योंकि डाइनिंग का प्राइस इतना ज़्यादा नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा हार्ड क्वालिटी का डाइनिंग ये नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा प्रीमियम डाइनिंग नहीं कहूँगा। हाँ आप लोग का अगर बजट है 3000-3500 तक का बजट है, मतलब 3500 तक का बजट है तो आप इसको आराम से ले सकते हो, आप लोगों को मिल जाएगा। क्रोसा डाइनिंग इसका नाम है क्रोसा और ये जो चेयर है चेयर का नाम है पोएस, आपको याद रखना है गाइस सुप्रीम ब्रांड का है। एंड ये जो चेयर डाइनिंग है इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिटेलिंग करके दिखा देता हूँ क्योंकि आप लोगों को पता चले ये चेयर डाइनिंग क्यों लेना है। मेरे पास बहुत सारे ब्रांड का डाइनिंग चेयर पड़ा हुआ है लेकिन मैं सुप्रीम का ही क्यों आज रिव्यू कर रहा हूँ और ख़ास करके पोएस और क्रोसा का रिव्यू मैं क्यों कर रहा हूँ। और भी बहुत सारे डाइनिंग और भी इससे सस्ता वाला भी हमारे पास है लेकिन ये ना ये जो इसका जो कैपेसिटी है इसमें अगर मान लीजिए 6 जनों को इसमें बैठ सकता है, जैसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, हालांकि इसमें अभी 4 चेयर लगाया हूँ मैं इसमें। अब मान लीजिए एक ये राइट में एक चेयर है, लेफ्ट में एक चेयर है और बीच में 2 चेयर लगा हुआ है गाइस। अगर आप देखिएगा अगर मैं इस चेयर को मैं इस साइड पे अगर लगा देता हूँ, जैसे देख लीजिए यहाँ पे मैं फिक्स कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे 2 आदमी बैठ गया एंड मैं इस साइड में भी 2 आदमी बैठ गया गाइस एंड यहाँ पे भी 1 और उधर 1, मतलब 6 जन यहाँ पे इसमें बैठ सकता है क्रोसा डाइनिंग में। सस्ता वाला डाइनिंग में 6 जन बैठ जाएगा और यहाँ पे आराम से डिनर लंच वगैरह हो जाएगा, तो बहुत ही बढ़िया है गाइज आप लोगों के लिए, मैं इसीलिए इसका रिव्यू कर रहा हूँ। हाँ इसका मैं डाइनिंग का अभी थोड़ा सा डिटेलिंग करके इसलिए मैं दिखा देता हूँ ये डाइनिंग आप लोगों को क्यों लेना। सो गाइज आप लोगों को मैं ये डाइनिंग थोड़ा सा मतलब मैं इसको अभी सुला दे रहा हूँ और ऐसे नहीं दिखाऊंगा तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा मैं डाइनिंग में ऐसे क्यों किया। आप लोग देखिए इसका जो पहिया है, इसका जो स्टैंड है, यहाँ पे ना वाई शेड है गाइस, ये वाई शेड की वजह से अगर इस डाइनिंग को अब ऐसे सीधा करता हूँ, पहले मैं एक बार ऐसे इसको मैंने जैसे सीधा किया तो इस डाइनिंग को ऐसे मैं इसको अगर वेट दे रहा हूँ ना तो बहुत ज़्यादा मतलब प्लास्टिक का डाइनिंग है वैसे थोड़ा ये बीच से डाउन ना हो है थोड़ा ज़्यादा मतलब ये ऐसे हिले ना, तो ये वाई शेड की वजह से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है ये डाइनिंग। मैं लकड़ी का नहीं कहूँगा, लकड़ी का डाइनिंग बहुत इससे ज़्यादा बहुत हैवी होता है। सुप्रीम का डाइनिंग है बहुत सारे, जैसे मान लीजिए इसका फोल्डिंग डाइनिंग होता है सुप्रीम का, तो बहुत सारे प्रीमियम डाइनिंग है। बजट का बात कर रहा हूँ मैं, 3500 तक का ऐसा वाला डाइनिंग अगर मिल रहा है तो बहुत ही बेस्ट डील है आप लोगों को। और इस डाइनिंग में चारों पहिया में इसमें आप वाई शेड देख सकते हो और इसी की वजह से ये डाइनिंग है काफ़ी मतलब एक हार्ड क्वालिटी का डाइनिंग हो जाता है। हाँ सुप्रीम ब्रांड गाइज आप लोग कहीं से भी परचेज कर रहे हो, सुप्रीम ब्रांड का 1 साल का गारंटी होता है गाइज, वारंटी नहीं गारंटी होता है, आप लोग को याद रखना है क्योंकि ये गारंटी इसलिए होता है मैं आपको कह रहा हूँ। अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने बैठ गया या किसी बड़े आदमी इसके ऊपर गलती से बैठ गया और ये अगर टूट जाता है तो आप लोगों को ये गारंटी में मिल जाएगा जिससे आप परचेस कर रहे हो, किसी भी ओनर से आप परचेस कर रहे हो उनको बोलना मेरा डाइनिंग टूट गया है। क्योंकि हालांकि हम लोग कभी कभी किसी को गारंटी नहीं देते, ऐसे भूल जाते हैं, कभी किसी को बोलते ही नहीं कि इसका गारंटी है, लेकिन आप लोगों को पूछ लेना है। आप नीलकमल का लो, सुप्रीम ब्रांड का लो या बहुत सारे ब्रांड है प्रीमियम इंडिया में, काफ़ी सारे ब्रांड है प्लास्टिकों का, तो आप लोग ये पूछ के लेना है। अगर रिटेल में रहे हो, ऑनलाइन का मुझे नहीं पता है, गारंटी वारंटी है नहीं है ऑनलाइन में, रिटेल में अगर लेते हो तो आप लोग पूछ के लेना है इसका गारंटी है, इसका एक मैनुअल आप बिल बना लो और इसके बाद इस चीज़ को परचेस करो फिर इसको यूज़ करो गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ
ये जो चेयर है गाइस, ये चेयर का पोएस चेयर, मैं इसलिए मैं थोड़ा इसका रिव्यू कर रहा था क्योंकि ये जो पोएस चेयर है, ये पोएस चेयर काफ़ी अच्छा है। अगर मान लीजिए आपका मेहमान आ गया, इसको आप बैठने दोगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। और ये इसको ना रेस्टोरेंट चेयर बोला जाता है इसको। आप हमेशा रेस्टोरेंट में कहीं बिरयानी के शॉप में जाओ या बहुत सारे अच्छे रेस्टोरेंट में जाओ, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में आप लोगों को ये सारे पोएस चेयर आप लोगों को दिखने को मिले। इससे भी अच्छा बहुत ही महंगा वाला चेयर है, लेकिन इसका जो लुक है बहुत ही लुक मतलब बहुत बढ़िया लगता है क्योंकि इसका जो नीचे बाई कलर है और इसका ऊपर जो है पूरा ब्लैक में है। बहुत सारे कलर भी आता है, बहुत सारे मॉडल भी आता है इसी पोएस चेयर में। इसका एक चेयर आता है एंटिक का, ऐसे पूरा सीधा सीधा ऐसे मतलब आपको लगेगा डंडी वाला लगेगा, बहुत ही मतलब वो भी मस्त है। मैं उसका भी एंटिक चेयर का भी मतलब रिव्यू करूंगा, क्रोसा के साथ करूंगा या बाइसोन डाइनिंग के साथ करूंगा, लेकिन आज पोएस का कर रहा हूँ। गाइस इसका जो बेस है, ये बेस ना खुल जाता है, आपको ऐसे अगर इसको खींचोगे तो ये अभी मैं इसको लगाया हूँ, इसको हुप के साथ ये अटक जाता है। अभी मैं इसको कट। सो गाइस ये जो पोएस चेयर है, इस पोएस चेयर का ये जो बेस है गाइस, इस बेस को मैंने अभी इसको खोला है, आप देख सकते हो ये जो बेस है ये पूरा खुल के आ गया। मतलब ये जो बेस है, ये बेस है एक्सटर्नल बेस है, मतलब इसको खोल सकते हो, इसमें फिस्ट भी कर सकते हो। सो गाइस मैं इसलिए इसको मैं खोल के दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता कम से कम चले। मान लीजिए आपके घर में सामान आप लोग सारे मतलब कहीं साइड शिफ्ट कर रहे हो, तो इनको मतलब सारे चेयर ऐसे आप ना इसके ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर जैसे बेस लगा हुआ है तो इसको ऊपर नहीं रख सकते हो, ऐसे नहीं लग मतलब एक के ऊपर एक को नहीं रख सकते हो। तो मैं इसीलिए थोड़ा सा इसको दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा आप लोगों के सुविधा हो जाए, है ना, आपको आप लोगों के लिए आसान हो जाए। क्योंकि जैसे इसका बेस खोलोगे और इस ये वाले चेयर का भी बेस खोलोगे तो इसके ऊपर एक के ऊपर एक को रख सकते हो आप लोग, इसलिए मैं ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर किया। हाँ, इसको आप फिस्ट भी कर सकते हो, कैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसका जो यहाँ पे देखिए, ये प्लास्टिक का गुटका है यहाँ पे और यहाँ पे लॉक है प्लास्टिक का। तो जैसे मैं इसको ऐसे प्रेस करूँगा, है ना, इसको थोड़ा सा देख लेना है आप लोगों को कैसे क्या करना है, नहीं करना है। हाँ, एंड यहाँ पे एक छोटा सा प्रेस करना है, जैसे आप प्रेस करोगे तो ये अभी फिस्ट हो गया गाइस, तो ये ध्यान रखना है। हाँ, मैं आप लोगों को नहीं बोलूँगा इसको हमेशा खोलना है, हमेशा लगाना है, क्योंकि ये करते वक्त आपका प्लास्टिक क्या पता है उसका जो लॉक है वो लॉक टूट भी सकता है, तो आप लोग को ये नहीं करना है हमेशा। हाँ, मान लीजिए कभी सामान उमान कहीं इस जगह से कहीं दूसरी जगह में आप लोग शिफ्ट कर रहे हो तो ये करना है, नहीं तो नहीं करना है गाइस। नहीं ये करोगे ना तो फिर कभी टूट गया तो मेरे वीडियो देख के आप लोग को ये सारे चीज़ अगर मान लीजिए ख़राब हो गया तो फिर मेरे को बदनामी हो जाएगा, है ना, तो ये नहीं करना है। सो गाइस हमारा पोएस विद क्रोसा डाइनिंग का रिव्यू कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट्स में बताना, और थैंक यू फॉर वाचिंग हमारा वीडियो देखने के लिए। और गाइस आप लोग प्यार दे रहे हो, थोड़ा बहुत करके प्यार दे रहे हो, और मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, वीडियो समझने के लिए आप पूरा वीडियो ही वॉच करना है। और हालांकि अभी हमारा एक दो वीडियो थोड़ा सा रैंक कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा थैंक यू आप लोग प्यार दे रहे हो हम लोगों को। एंड गाइस ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए थोड़ा नॉलेजेबल वीडियो है, थोड़ा पूरा देखोगे आप, पूरा वॉच करोगे तभी आप लोगों का पता चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और गाइस हमारा वीडियो शेयर करना है, लाइक्स करना है, कमेंट्स भी करना है, एंड थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आप लोग खुश रहिए।